हमारे यहाँ अपने देश का तो इतिहास है कि यहाँ जब किसी पे कोई आरोप लगता है तो वो सबसे पहले इस्तीफा देता है और जब तक आरोप के बाद से बरी नहीं हो जाए तब तक वो दायित्व नहीं लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के लाल कृष्ण आडवाणी तक, जब हमारे माननीय उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का एक डायरी में नाम झूठा ही आया था, लेकिन उन्होंने तुरंत सभी पदों से इस्तीफा दिया, यहां तक कि सांसद से भी इस्तीफा दिया और उन्होंने कोर्ट को फेस किया। कोर्ट से फेस होने के बाद ही डिसाइड हुआ कि उनको पार्टी का चुनाव लड़े और बाद में वो पदाधिकारी हुए। मैं मान के चलता हूं कि अपने लोकतंत्र में ये पहली जरूरत होती है कि अगर कोई उंगली उठ रही है और वो तो उस पार्टी को जिसके अपने दो दो मंत्री उनके इसी आरोप में बंद है जेल में आज तक, उनको कोर्ट से लगातार प्रयास करने के बाद हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहीं से जमानत नहीं मिली, लगभग 21 उनके अलग अलग नेता इसी आरोप में बंद है और इसी शराब कांड के मामले में जब नौ नौ बार उनके संबंध गए और वो कोर्ट में गए हाईकोर्ट और हाईकोर्ट में जाने के बाद भी जब हाईकोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं दी तो ऐसे में स्वतः वो इस्तीफा दे करके अपने ऊपर लगे आरोप को पहले फेस करके और अपने को बरी होने के बाद वो अपनी सरकार चलाते। निश्चित तौर पर मैं तो ये कहता हूं कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि दो सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को जेल भेजा गया। हेमंत सोरेन जी पर दबाव था कि आप भाजपा में आ जाइए, केस खत्म कर देंगे जैसे दूसरों के हो गए, उन्होंने जेल जाना पसंद किया। यह है ट्राइबल कैरेक्टर, आदिवासी का चरित्र यह होता है वो मरना पसंद करेगा लेकिन अपने आदर्शों के साथ समझौता नहीं करता। दूसरा अरविंद केजरीवाल जी, उनका कसूर इतना था कि उन्होंने उनके नोटिस मिल जाने पर वो हाजिर नहीं हुए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया।